पिता गायब होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे बेटे को उसके पिता की मौत की खबर मिली। बेटे ने घटनास्थल पर सड़क किनारे पड़े शव की शिनाख्त अपने पिता अरुण गोपीचंद घरडे के रूप में की। बेटा सचिन घरडे है, वह शिकायत करने बेल तरोड़ी थाने में गया था। फिलहाल बेल तरोड़ी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस को मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली कि वर्धा रोड से आउटर रिंग रोड की ओर जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस निरीक्षक रविंद्र नायकवार सहयोगी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शरीर पर हल्की खरोच के निशान थी। पुलिस ने शव का पंचनामा करना शुरू किया। इधर दत्तनगर बेसा निवासी सचिन घरडे नामक युवक बेलतोरडी थाने में अपने पिता के गायब होने की शिकायत लेकर पहुंचा। उसके पिता सोमवार की शाम से घर नहीं लौटे थे। सचिन को काफी खोजबीन के बाद भी पिता का कुछ भी पता नहीं चला। तब वह बेलतोरडी थाने में उनके गुमशुदा होने की शिकायत करने पहुंचा। थाने में उसे पता चला कि एक शव बेलतोरडी क्षेत्र में आउटर रिंग रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ा है। सचिन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। शव उसके पिता का ही था। पुलिस शव की पहचान को लेकर परेशान थी। जैसे ही सचिन ने शव की शिनाख्त की, पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस निरीक्षक नायकवार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अरुण की मौत का कारण पता चल सकेगा। इस मामले में सचिन ने पुलिस को बताया कि पिता को शराब पीने की आदत थी। वह बोलेरो मालवाहक वाहन की चालक मालक थी। सोमवार की शाम वह घर से कुछ देर बाद आने की बात कहकर निकले थे, लेकिन रात में घर वापस नहीं लौटे। पुलिस का भी यही कहना है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि अरुण शराब के नशे में नीचे गिरने के कारण जख्मी हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेलतोरडी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सकाळी आम्हाला एक पोलीस पाटीला गावचे त्यांच्याकडून माहिती मिळाली की वर्धा राणीकोठी वर्धा रोड टू टोलनाक्याकडे जाणाऱ्या रोडच्या डाव्या साईडला एक इसम पडून आहे। अशी माहिती भेटल्याबरोबर आम्ही स्टाफसह तिथे रवाना झालो आणि त्याचा शोध घेतला असता ती बॉडी तिथे ह्युमन एक पुरुष जातीचं बॉडी मिळून आली, परंतु त्याची ओळख पटत नव्हती आणि त्याचा शोध घेणे आम्ही चालू केला। आसपासच्या लोकांना विचारपूस केली, परंतु त्याची ओळख पटलेली नव्हती। इन बिटवीन 11-11:30 दरम्यान आम्हाला पोलीस स्टेशनला एक मुलगा आला, सचिन घरडे नावाचा, आणि तो त्याच्या वडिलांना शोधत होता। त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना लगेच तिथे स्पॉटवर बोलवले आणि त्या बॉडीला पाहायला सांगितले ओळखण्यास। तर त्यांनी ती ओळखली, ती त्याची ते त्याचे वडील होते। नंतर मग त्या बॉडीची ओळख झाल्याच्यानंतर आम्ही त्याला अधिकचं विचारपूस केली, तर त्याच्याकडनं असं कळलं की ते गाडी चालवायचे बोलेरो पिकअपसारखा आणि दारू पिण्याच्या सवयीचे होते। रोज घरून जाता जायचे, परंतु संध्याकाळी घरी येण्याचा त्यांचा निश्चित वेळ नव्हता अशी माहिती त्याच्या मुलाने दिली। त्यानुसार मग आता आम्ही प्राथमिकदृष्ट्या पोलीस स्टेशनला मर्ग दाखल केला आणि आमचा तपास चालू आहे नेमका काय प्रकार झालेला असावा। यावरून पोलीस स्टेशनला आता पुढचा तपास होईल आणि पुढील तपासाअंती पुढचे सांगता येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।